टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट में ग्राम नयाखेड़ा के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन पर गौशाला बनाई जा रही है। इस जमीन पर ग्रामीण गत 60 वर्षों से कृषि करते आए हैं। उनका कहना है कि शासन के इस फैसले से छोटे छोटे ग्रामीण कृषक बेसहारा हो जाएंगे। इसके चलते ग्रामीणों ने डिप्टी कलेक्टर विकास आनंद जी को ज्ञापन सौंप दिया है और डिप्टी कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासित भी किया। आरती यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? नयाखेड़ा। जी बताएं, जो आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है आपका पूरा? ये हमारे ग्राम पंचायत में 10 लोग लगभग 60 वर्ष से कृषि कारोबार कर रहे हैं, शासकीय जमीन उसको सुधार करने में करोड़ों रुपए लगा दिए अपनी मानकर। अब मुक्त भूमि जो है, लगातार राजस्व विभाग द्वारा नोटिस देने पर ये लोग जुर्माना जमा करते रहे, कृषि कारोबार करते रहे आज तक। अभी 8-10 लोगों को जो परिवार है उसमें 72 सदस्य हैं, छोटे बड़े सभी, सभी लोग भूमिहीन हैं। लेकिन उनको एकाएक जो है ये जानकारी मिली अभी 10 दिन पहले कि उक्त जमीन पर गौशाला का निर्माण होना। अब उसी दिन से ये जो है समस्त अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, यानी कार्यपालिका के समस्त अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं। अभी बताइए कि यदि इन गरीबों से अगर जमीन खींच ली जाएगी, ले ली जाएगी, तो हमारे 72 सदस्य जो है छोटे छोटे भूखे मर जाएंगे। कितने वर्षों से वहाँ पे लोग किसान? 60 वर्ष से। ग्राम नयाखेड़ा जो तहसील, वहाँ के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया माननीय कलेक्टर साहब को। वहाँ की जो पटवारी महोदया हैं पुष्पा यादव, उनके ट्रांसफर के संबंध में, साथ ही वहाँ गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, तो गौशाला ना निर्मित हो इसके लिए भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। दोनों में अभी कलेक्टर साहब से चर्चा करके जो भी डिसीजन होगी वो कराएगी। ऐसे ही पैनी खबरों पर हम रखते हैं नज़र, इसलिए देखते रहिए अखबार जगत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार।